Hey everyone, welcome back to my channel Fusion Girl and in another video. So आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्वेट प्रूफ एवरी डे मेकअप लुक. आई होप आपको ये वाला मेकअप अच्छा लगेगा. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तो मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया है और फेस वॉश करके मेरा स्किन बहुत ही ड्राई हो गया था, तो मैंने यहाँ पे टोनर अप्लाई किया है. ये गुड वाइब्स का ककुम्बर टोनर है. और अगर आपका ऑयली स्किन, आपका कोई भी स्किन टाइप हो, आप टोनर अप्लाई करें. तो मैं यहाँ पे पैट पैट करके जो टोनर है उसको ड्राई कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र. ये पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र है. अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप कोई भी जेल यूज़ कर सकते हो, लाइक एलोवेरा जेल, ऑरेंज जेल, कुछ भी. समर में भी हमारा स्किन ड्राई होता है, उसको हाइड्रेशन की ज़रूरत होता है. यहाँ पे मैं अप्लाई करके इसको 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि मेरा जो मॉइस्चराइज़र है वो अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए. फाइव मिनट हो गए हैं, अभी मैं अप्लाई करूँगी सनस्क्रीन. कोई भी सीज़न हो, कुछ भी हो, आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ही है डे टाइम में. अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो जो लैक्मे का मैंने दिखाया है, अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो वो वाला आप यूज़ कर सकते हो. मैं मुझे थोड़ा सा ऑयली वाला चाहिए क्योंकि मेरा स्किन बहुत ड्राई है. तो मैंने यहाँ पर न्यूट्रीजेना का ये सनस्क्रीन जो है अप्लाई कर रही हूँ. और इसको भी मैं थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये भी अच्छे से मेरे स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए. और कुछ भी हो जाए, अगर आप कोई मेकअप नहीं भी कर रहे हो तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही, अगर घर पे भी रहते हो तब भी आपको लगाना है क्योंकि ये आप हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट मैं अपने लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए लिप बाम लगा रही हूँ. ये समर में भी हमारे लिप्स को मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होता है. ये शुगर का लिप बाम है. यहाँ पे मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही अफोर्डेबल है और सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सारे डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी. नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने ब्राउज को फिल करूँगी और मैंने यहाँ पे लिया है ये हिलारी रोडा का पाउडर ब्राउ किट. आप समर में मेक श्योर कि आप पाउडर वाला प्रोडक्ट ही यूज़ करें, तो ये हमारे जो फेस में जो स्वेटिंग होता है उसको कंट्रोल करेगा. पूरी तरह से ये स्वेट प्रूफ नहीं होता है क्योंकि स्वेटिंग जो है वो नेचुरल फिनोमिना है, वो होता ही है. अगर कुछ देर तक हम अपने मेकअप को अच्छा रख सकते हैं, लाइक स्वेट प्रूफ रख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो सकता ये. आप मेकअप को 2 आवर्स के बाद फिर से आप टचअप कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, NYBay का है ये. और इसको मैं अपने टी जोन पे फोकस करते हुए अप्लाई करूँगी, जहाँ पे मुझे स्वेटिंग होता है उस जगह पे अप्लाई करूँगी ताकि मेरा मेकअप जो है वहाँ से ना हटे. थोड़ा सा ही आपको लेना है और अच्छे से अपने नोज़ एरिया पे और फोरहेड पे, चिन पे हल्के हाथ से अप्लाई करना है और उसको 20-30 सेकेंड के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वो सेट हो जाए. नेक्स्ट मैं यहाँ पे गार्नियर का ये बीबी क्रीम ले रही हूँ. और अगर आप कोई भी फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं एवरीडे बेसिस पे बीबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ तो इसीलिए मैंने ये वाला क्रीम यूज़ किया है. डॉट डॉट करके मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से. ड्रैग नहीं करना है आपको, बस उसको सेट करना है अपने फेस पे. प्रेस करते हुए इस तरह से आपको टैप टैप करके ब्लेंड करना है ताकि आपकी स्किन पे ये सेट हो जाए. ड्रैग नहीं करना है. मैंने थोड़ा सा और यहाँ पे लिया है एज अ कंसीलर. मैं अपने अंडर आईज पे अप्लाई कर रही हूँ और इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. अगर आपका ऑयली स्किन है तो ये वाला कॉम्पैक्ट आपके लिए बेस्ट है. ये मेबलिन का फिटनिंग कॉम्पैक्ट है और ये मेरा ख़त्म हो गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे NYBay का ये कॉम्पैक्ट लिया है और अपने फेस को इसी से मैं सेट करने वाली हूँ. आपको ब्रश जो है आपको ड्रैग नहीं करना है, बस
आपने जो क्रीम अप्लाई किया है उसको बस सेट करना है हमें और ड्रैग नहीं करना है बिल्कुल। तो जिस एरिया पे स्वेटिंग होता है वहाँ से मैं अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी और बस प्लेस करते जाना है आपको। अभी आपको ये थोड़ा सा पाउडरी दिखेगा, लाइक ज़्यादा दिखेगा, बट जैसे जैसे आप करते जाओगे और मेकअप फिक्सर अप्लाई करने के बाद ये एकदम सेट हो जाएगा। कोई भी अगर आप क्रीम वगैरह कॉम्पैक्ट जो भी आप लगा रहे हो अपने ईयर पे और अपने नेक को बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो वो डिसकलरेशन हो जाएगा, फेस का एक कलर और नेक का एक कलर दिखेगा। तो अच्छे से अपने नेक पे भी अप्लाई करना है आपको। तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, बस काजल यूज़ किया है जो कि वाटरप्रूफ है, मेबलिन का काजल है ये, और अपने लोअर वाटर लाइन पे और अपर वाटर लाइन पे मैं इसको अप्लाई करूँगी अच्छी तरह से, और इसको ही मैं एज ए लाइनर थोड़ा सा मैं ड्रॉ करूँगी। मेक श्योर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो समर टाइम में वो वाटरप्रूफ हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा और ये मेबलिन का ही है और ये वाटरप्रूफ वाला है, वॉशेबल वाला भी सेम मस्कारा आता है। अगर आप कोई भी मेकअप नहीं भी कर रहे हो तो आपको मस्कारा अप्लाई करना ही चाहिए, इससे आपका जो मेकअप है वो कंप्लीट लगता है। और मैंने यहाँ पे बस एक कोट लगाया है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ और ये SFR का ब्लश है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है ये। मैं बस थोड़ा सा अपने ब्रश पे ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा चौकी है और ये मतलब ब्लेंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा ही लिया है, उसमें भी आपको दिख जाएगा कि ये कितना ज़्यादा लग रहा है। इसको मैं नॉर्मली जैसे अप्लाई करती हूँ अपने एप्पल अपनी चिक्स पे और अपने नोज़ पे, मुझे थोड़ा सा नोज़ पे ब्लश लगाना अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप वो स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे हाइलाइटर ले रही हूँ, ये शेल का हाइलाइटर है और बस मैं अपने हायर पॉइंट्स पे इसको अप्लाई करूँगी। अगर आप हाइलाइटर यूज़ नहीं करते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो यहाँ मैं अपने चिक बोन पे और अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ और फोरहेड, चिन और क्यूपिड बो पे जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं वैसे ही अप्लाई कर रही हूँ। तो लिपस्टिक आप अपने हिसाब से कोई भी लिपस्टिक आप चूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये दो लिपस्टिक है, एक NYP का लिपस्टिक है, ये काफ़ी अच्छा है उसका कलर, और ये मैंने यह जो हुडा ब्यूटी का जो ट्यूब आता है वो वाला लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो एवरीडे में मैं थोड़ा सा लाइट लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। तो मेकअप कंप्लीट हो गया है, अभी इसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, इससे आपका जो मेकअप है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा अपने जगह पे और जो भी पाउडरीनेस है वो हट जाएगा। अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा मैं उसको टैप कर रही हूँ ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो अपनी जगह पर सेट हो जाए और ये हमारा मेकअप हो गया है कम्प्लीट। ओके, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बिंदी लगाने का सोचा और बिंदी के साथ मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप ये वाला लुक आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।